तो फ्रेंड्स, मैं उदिवेश चौहान और स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट या तो कंपोनेंट तो देखा ही होगा, तो जिसको क्या बोलते हैं आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये जो है इसको पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। पोटेंशियोमीटर बोले तो ये जो है एक टाइप का वेरिएबल रजिस्टर है कि जिसकी वैल्यू यहाँ पर पीछे लिखी हुई रहती है। ये अभी हमारे पास जो है वो 10 किलो ओम का है। इसका मतलब कि ये जो पोटेंशियोमीटर है वो आपको रजिस्टर 0 से लेके 10 किलो ओम तक का वैल्यू देगा। अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर तो इसका वर्किंग नहीं दिखाने वाले, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके ऊपर एक वीडियो बना के रखा है जो आपको यहाँ पे आई बटन है ना वहाँ पे दिख जाएगा। ये जो पोटेंशियोमीटर में ऐसी कौन सी मैकेनिज्म होती है जिसकी वजह से ये जो है वो अपना रेजिस्टेंस चेंज करता है अगर इस नोब को हम लोग चेंज करें तो। तो अब आज के इस वीडियो में हम लोग इसका पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले तो ये जो ऊपर जो स्क्रू दिया है ना इसको खोल लेते हैं। अभी देखिए इसके अंदर इसको खोलना एकदम आसान है। यहाँ पे देख रहे आपको चार इसकी जो क्लिंचिंग किया हुआ है यानी कि चार पिन है, क्लिप है, जो भी आपको बोल रहे हैं। तो ये जो पूरी बॉडी है इसकी, ये सिर्फ ये चारों क्लिप के ऊपर आधारित है। तो ये चारों क्लिप ही हमें खोलनी है। तो उसके लिए हमें इस टाइप का कोई भी नोकली चीज़ या तो स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको धीरे धीरे इसको खोल लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे चारों की चारों क्लिप को निकाल लिया। अगर आप एक स्टूडेंट है तो मेरी यही सलाह है कि आप बड़ों की सहायता से ही इसको खोलें ताकि आपको कोई भी चोट ना आए। तो चलिए अभी इसको धीरे धीरे उठा लेते हैं। तो ये जो इसकी बॉडी है वो हमने पीछे से निकाल ली है। तो ये जो है वो पूरी प्लास्टिक की कैप है जो इसके साथ कनेक्टेड है। और यहाँ देखिए ये जो है ये पिन और ये पिन, पहली और तीसरी, इसके बीच में देखिए ये आपको रिंग जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको ये निकाल लेता हूँ। चलिए अभी सही है। देखिए तो यहाँ पे आपको पहली और तीसरे नंबर की पिन के बीच में ये एक रिंग जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये ही हमारा रजिस्टर है जिसकी वैल्यू रहती है 10 किलो ओम, यानी कि पोटेंशियोमीटर के ऊपर डिपेंड करती है। और ये जो बीच वाली पिन है ये कहीं पे भी टच नहीं है, ये हवा में है। अभी इसका क्या फंक्शन रहता है? तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर यहाँ पे ये दिया है ना ये वाली पिन, तो ये बीच वाली पिन को टच होती है। और एक सिरा इसका ये जो हमारी मेन जो कॉइल है ये वाली, इसके साथ टच होती है। यानी कि ये पिन यहाँ और यहाँ टच होगी तो इसका रजिस्टर अलग दिखाएगा, यहाँ से लेके यहाँ टच होगी तो अलग दिखाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक टच होगी तो अलग रजिस्टर दिखाएगा। यानी यहाँ से लेके पूरी अगर ये घूमेगी तो हमें 10 किलो ओम की वैल्यू मिलेगी। तो ये जो है वो हमारा पोटेंशियोमीटर अंदर से कैसे दिखता है वो मैंने आपको दिखाया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने पहले ऐसा वीडियो तो शायद ही कहीं पे देखा होगा कि जिसके अंदर आपको पोटेंशियोमीटर के अंदर का राज क्या है वो दिखाया होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जो हमारा वीडियो है वो काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक तो कर दीजिए। और अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आकर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग प्रोजेक्ट या तो कोई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।